दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आपका नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के एडमिट कार्ड को लेके, क्या लेटेस्ट अपडेट है, सीआरपीएफ का आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि कह रहे हैं कि सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, मेरा एडमिट कार्ड शो नहीं कर रहा। तो उसको लेके पूरी रिलेटेड इस वीडियो में यही बात रहने वाली है कि आखिरकार आप सभी का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं सीआरपीएफ की ऑफिशियल साइट पे हूँ, डायरेक्ट नोटिस पे ले चलता हूँ जो कि एडमिट कार्ड को लेकर ऑफिशियल नोटिस दिखा रहा हूँ। आप इस नोटिस में देख सकते हो कि जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम डेट इसमें कम्प्लीटली दे रखे हैं, वहीं पर बात करें एडमिट कार्ड रिलीज डेट दे रखी है 20/6/2023, मतलब आज के दिन आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो, और जिन अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड शो नहीं कर रहा उनके लिए क्या अपडेट है। तो सबसे पहले बात करूँ, जिनका एडमिट कार्ड शो कर रहा है तो वो डाउनलोड कर लीजिए सीआरपीएफ की ऑफिशियल साइट पे जाके। आप बात करें जिनका नहीं शो कर रहा तो वो वेट कर लीजिए, क्योंकि 21, 22, 23, 24 इस डेट में से किसी भी डेट को आपका एडमिट कार्ड आपको जारी किया जा सकता है। वहीं बात करें एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम आप देख सकते हो 1/7/2023 से आपके एग्ज़ाम है, जबकि आपके जो एडमिट कार्ड है 5 दिन पहले जारी किए जा रहे हैं। तो आप घबराइए मत, आप सभी के एडमिट कार्ड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं बात करें अगर आपको कोई अदर परेशानी आ रही तो ये हेल्पलाइन नंबर दे रखा है जिस पे आप कॉल करके पता कर सकते हो कि आपका एडमिट कार्ड शो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। तो जितनी भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा अगर कोई अदर प्रॉब्लम हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।